जय आरसीएम साथियों, गुड डॉट की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन पे जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे हम आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले तो रुकावट के लिए खेल है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इस वजह से 10 मिनट का डिले आप लोगों को सहना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा मांगता हूँ मैं उस चीज के लिए। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है गुड डॉट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह गुड डॉट के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको जो उनके इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमने बहुत बार बात की है लेकिन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने अभी तक किसी भी YouTube लाइव सेशन में बात नहीं की है। तो मैं आपको इस मीटिंग में गुड डॉट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा, उससे आपकी स्वास्थ्य को क्या फायदे होंगे उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही और छोटी मोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे मीट हमारे बॉडी की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तैयार हैं इस ऑनलाइन सेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं यूएस की पूरी टीम को थैंक यू करता हूँ कि इस जो आपदा का समय चल रहा है उस समय में भी उन लोगों ने हम लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए, लर्न करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम चुना है YouTube लाइव के द्वारा। तो मेरा नाम चाहत समोता है, गुड डॉट के लिए मैं मार्केटिंग को हेड करता हूँ, जो लोग यहाँ नए हैं उनको मैं बता दूँ। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है, तो हम सेशन की अब स्टार्ट करेंगे। एक प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए यहाँ पे चलाने वाला हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत हेल्दी साबित हो सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है, आज की करंट सिचुएशन में आप सबको पता है कि हेल्थ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। आप सब लोग जानते हैं हमें हमारी इम्यूनिटी को सही रखना है, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी मजबूत रखना है कि हम वायरस से तो लड़ ही सके, लेकिन और जो बीमारियां होती है जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीजेस है, किडनी है, इन सब बीमारियों से बचना भी हमारे लिए आज की सिचुएशन में बहुत जरूरी हो गया है। और जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप सब लोग जानते हैं अगर हमारा हार्ट सही है तो हमारी हेल्थ सही है। अगर हमारा हार्ट सही है तो हमारे बॉडी के दूसरे जितने भी अंग है वो सही तरीके से काम करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो एक पिक्चर है जहां पे हार्ट हमारा होता है बॉडी का, वहां पे मैंने गुड डॉट को बताया है, यानी कि मैं ये दर्शाना चाहता हूँ जिस तरह हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट होता है, दिल होता है हमारा, उसी तरह हमारी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा गुड डॉट को हमें बनाना है। हमारी डाइट को अगर हम देखें तो अभी करंट सिचुएशन में हमारी जो डाइट है, जो करंट लाइफस्टाइल है, आप देख सकते हैं जिसमें चिकन आता है, मटन आता है, चीज आता है, अंडे आते हैं, बाहर का जंक फूड आता है, वो हमारी करंट लाइफस्टाइल है जो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को हमारे अंदर घर करती है, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो किडनी में स्टोन हो, हर बीमारी का कारण हमारी डाइट से रिलेटेड है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा रहेंगे, और हमारी जो डिजायर्ड लाइफस्टाइल है वो है गुड डॉट, जिसके अंदर गुड डॉट भी शामिल हो। अगर हम वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके अंदर भी हमें गुड डॉट की डाइट को डालना है जिसके अंदर हमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिले। और किसी भी प्रोडक्ट को हमें जज करना हो कि वो अच्छा है या बुरा, तो उसके लिए 5 चीजें हैं हम सबके लिए सबसे ज्यादा जानने के लिए जरूरी। उसमें से पहली चीज है प्रोटीन, दूसरी चीज है डाइट्री फाइबर, तीसरी चीज है कैल्शियम, चौथी चीज है कोलेस्ट्रॉल, और पांचवी चीज है फैट। अगर इन 5 चीजों का बैलेंस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर होता है तो 100% वो प्रोडक्ट हमारे लिए खाने लायक है, अगर बैलेंस है तो। कैसे बैलेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं करंट सिचुएशन में हमें हमारी हेल्थ को बेहतर रखना है और हमें एक बेहतर हेल्थ की तरह बढ़ना है। हम सब लोग जानते हैं कि करंट सिचुएशन में या लाइफ में कभी भी अगर हम हेल्दी है तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। आज अगर कोई व्यक्ति कोई भी जॉब के लिए जा रहा है या लाइफ में किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहली चीज उसकी हेल्थ को देखा जाएगा। अगर वो हेल्दी होगा तो वो अपने आप अट्रैक्टिव होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी लाइफ के हर एक डिसीजन में, हर एक अपॉर्चुनिटी में। तो हमारे लिए हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अब क्या तरीके हैं हेल्थ को अच्छा रखने के,
तो आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपको एक अच्छी हेल्थ की ओर ले जाएगा। उसमें से पहला स्टेप है विश, यानी कि इच्छा। सबसे पहले हमारे अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। चाहे मैं आरसीएम की बात करूं, हमें सिर्फ आरसीएम को ज्वाइन नहीं करना है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम आरसीएम ज्वाइन करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उसी तरह हेल्थ को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अट्रैक्टिव बनना है। तो वो इच्छा शक्ति आपके लिए सबसे जरूरी है। सेकंड जो चीज है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी धारणा है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें हमारी थिंकिंग को बदलना है, हमें ये सोचना है कि हम फिट बन सकते हैं, हम अंदर से भी फिट बन सकते हैं और हम बाहर से भी फिट बन सकते हैं। अगर फिट रहने के भी दो तरीके, या तो आप बाहर से फिट दिखे या फिर आप अंदर से, यानी कि आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी फिट हो, तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तभी हम उसे कर पाएंगे। उसके बाद आता है डाइट। डाइट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी आप रेस्ट कर लीजिए, कितनी भी आप दूसरी चीजें कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपकी हेल्थ सही नहीं हो सकती। कुछ भी कर लीजिए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है वो है आपकी डाइट पे आपको फोकस करना है, यानी कि आपको आपकी डाइट में घुटन को शामिल करना है। आप अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट में गुड डॉट है, आपकी डाइट में प्रोटीन है, डाइट्री फाइबर है, कैल्शियम है, तो 100% आप अच्छी हेल्थ की ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट करना है, यानी कि आपका जो नींद का साइकिल है या जो आपका रेगुलर रूटीन है उसको आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर ये सारी चीजें आप लाइन से करते हैं तो यकीन मानिए 100% आप एक बेहतर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। आप फिजिकली यानी कि दिखने में भी आप अच्छे लगेंगे और आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे अगर आप ऐसे करते हैं। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, विश इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके साथ आपको रेस्ट करना है प्रॉपर और एक्सरसाइज करनी है, तो आप अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो गुड डॉट आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन, एक विकल्प है जो आपको आपका जो गोल है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का उसमें आपकी सहायता करेगा। तो हम गुड डॉट के इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, गुड डॉट के फायदे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो राइवल है यानी कि जिसके हम सब्स्टिट्यूट है, मीट, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि किस तरह वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हमें मीट खाना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न ये है। तो इसके ऊपर हमारी पूरी टीम ने रिसर्च की है, गुड डॉट की मार्केटिंग टीम ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने। तो हमने दो चीजें निकाली है जो ये बताती है कि फिजिकली हमारी बॉडी मीट खाने के लिए नहीं बनी है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि वो है कि हमारे जो दांत है वो एक जानवर जो पूरी तरह मीट खाता है उसकी तरह नहीं है। आप देखिए पहला जो डायग्राम है वो ह्यूमन का, यानी कि हमारे दांत सीधे होते हैं, हमारे दांत तीखे नहीं होते, और जो लास्ट में आप देख रहे हैं एक शेर का जो दांत है, यानी कार्निवोरस एनिमल जो पूरी तरह मीट खाते हैं उनके दांत बहुत तीखे होते हैं। तो ये जो सबसे प्रकृति ने जो सबसे पहला जो डिफरेंस बनाया है जहां से मीट हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसमें ये कि हमारे दांत और एक शेर के दांत में फर्क है। यही बात होती है कि जब जो शेर है वो कच्चे मांस को भी खा सकता है, यानी कि इन दांतों से उसे मार के और काट के खुद खा सकता है, लेकिन हमारे दांत उसमें सक्षम नहीं है। यानी प्रकृति ने हमारे अंदर एक फर्क बनाया है कि हमारा जो दांत है वो सॉफ्ट चीजों को और प्लांट से जो हम खाना बनाते हैं उनको चबाने के लिए बना है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हमको देखने को मिलता है। उसकी बात जब ये खाना जो मीट आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी के पाचन तंत्र से गुजरता है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे पाचन तंत्र में और एक शेर के यानी कि जो सिर्फ मीट खाता है उसके पाचन तंत्र में मूल फर्क क्या है। तो जो शेर का जो पाचन तंत्र है वो बहुत छोटा है, यानी कि मीट
उसकी उसकी बॉडी में उसकी बॉडी में इतने पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस हो, यानी कि पचाने के लिए जो पेन क्रिया तभी पॉसिबल है जब ये सारी चीजें उनके अंदर हो, लेकिन इंसानों के भी डाइजेस्टिव जूसेस पावरफुल नहीं होते, और हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत लंबा गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि मीट हमारी बॉडी दिन तक हमारी बॉडी के अंदर मीट रहता है, और हमारे जो बॉडी के अंदर जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस जो लीवर से आता है, जो पेनक्रियास से आता है, वो मीट को पचा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर डाइट्री फाइबर नहीं होता। यही कारण है 8 दिन तक मीट हमारी बॉडी में रहता है, और जब 8 दिन तक कोई चीज हमारी बॉडी में रहे, और यही कारण है जब हम जबरदस्ती मीट को हमारी बॉडी में डालेंगे तो ये नुकसान हमारे अंदर होंगे। पहले नुकसान की मैं अगर बात करूं, एक चार्ट आपके सामने है, यूके की एक कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाया है कि उन्होंने कैंसर को डिवाइड किया है 5 ग्रुप में, कि आपको कैंसर होने के कितने चांसेस है अगर आप किसी चीज को खाते हैं। तो ग्रुप 1 जो है वो ये कहता है कि अगर आप ये खाएंगे तो आपको 100% कैंसर होगा, और उस ग्रुप 1 में आता है प्रोसेस मीट। प्रोसेस मीट यानी कि सलामी है, हॉट डॉग है, बेकॉन है, ये सारी चीजें आती है ग्रुप 1 में, यानी कि अगर आप प्रोसेस मीट खाते हैं तो 100% आपको कैंसर होगा, 100%। और अगर आप ग्रुप 2 में आते हैं, यानी कि अगर आप ग्रुप 2 में आते हैं तो आपको 80% से भी ज्यादा चांसेस है कैंसर होने के। और ग्रुप 2A में आता है पोर्क बीफ लैम्प, यानी कि लाल मांस, जितनी भी रेड मीट होती है वो ग्रुप 2A में आती है, और आपके 80% से भी ज्यादा चांसेस है अगर आप ये मीट खाते हैं तो। और अगर मैं बात करूं चिकन और फिश की, जो इस चार्ट में नहीं है, वो आपको ग्रुप 2B में आएगा, यानी कि आपको 50% से ज्यादा चांसेस है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रुप 4 में आते हैं, यानी कि आपको कैंसर नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए, अगर आप प्रोसेस मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो आपके 80% से यानी कि 100% तक चांसेस है कि आपको कैंसर होगा। उसके बाद कैंसर के बाद जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है हार्ट से रिलेटेड, जिसमें इंसान मर सकता है। हार्ट रिलेटेड डिजीज की बात करूं तो ये एक चार्ट आपके सामने जो बताता है कि पिछले 10 सालों में जितनी भी लोगों को दिल से रिलेटेड डिजीजेस हुई है, बीमारियां हुई है, उसमें से ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन है, उसके नीचे ही नीचे वेजिटेरियन है, यानी कि ये बताता है कि अगर आप मीट खाते हैं तो आपके जो दिल से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस वहीं आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद में बात करूं कोलेस्ट्रॉल जो मीट के अंदर पाया जाता है, किसी भी मीट के अंदर 100 mg तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो आपकी जो नसें है, जहां जहां से आपका खून बहता है, उसके अंदर ब्लॉकेज तक ला सकते हैं, और ब्लॉकेज आपको पता है हार्ट अटैक का एक रीजन होता है, आपकी जान ले सकता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर ब्लॉकेज पैदा होगा, और जिस वजह से आपका मरना तय सा हो जाएगा अगर आप रेगुलर मीट कंज्यूमर है तो। उसके बाद मैं बात करूं BMI के बारे में, आप सब लोग जानते हैं, आपने इसके बारे में सीखा है, बहुत RCM में आपको इसके बारे में बताया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स आप लोग जानते हैं, जितना कम हो उतना अच्छा है, और ये एक चार्ट आपके सामने हमने रिसर्च करके निकाला है जो बताता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका BMI 28.8% है एवरेज, और अगर आप वेजिटेरियन है, वीगन है, तो 23.6% है। तो ये बताने के लिए काफी है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका BMI भी ज्यादा होगा, यानी कि आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं, आप में से यहाँ जितने लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, और आपको मैं बता दूं करंट सिचुएशन में 99% जितना भी नॉन वेज आता है वो 99% कोलेस्ट्रॉल, यानी कि उन्हें हार्मोन दिया जाता है, हार्मोन देके उनको उनकी उम्र से बड़ा दिखाया जाता है। इस चीज को आपको समझना होगा। एक रिसर्च की है, ये भी एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है,
जिन्होंने आपके साइड में जो चार्ट है आप वहां देख सकते हैं, एक आपको एक्चुअल एज बताई है कि कितने साल में बड़ा होता है कोई जानवर, और एक कितने साल में उसके मीट के लिए मार दिया जाता है। आप चिकन की देखिए, चिकन 8 साल तक जीता है लेकिन उसको 6 हफ्तों में मीट के लिए हार्मोन्स देके बड़ा कर दिया जाता है। लैम्ब की बात करूं, यानी कि मटन जो भारत में बहुत पॉपुलर है, उसकी नेचुरल लाइफ होती है 12 साल, लेकिन उसको 3 से 6 महीने में बड़ा करके मार दिया जाता है। बीफ की बात करूं, गाय की जो नेचुरल लाइफ होती है वो 20 साल की होती है, लेकिन उसको 1 से 2.5 साल में बड़ा करके मार दिया जाता है। यानी कि हम जो खा रहे हैं वो एक बच्चा है, एक बच्चे को बड़ा करके आपको मीट बना के बेचा जा रहा है और वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। और इस पे हमने और रिसर्च की तो हमें पता चला कि चिकन की जो एज होती थी 1957 में, जो उनका वेट होता था वो 1 किलो के आसपास होता था, 2005 में 4 किलो वेट हो गया उस चिकन का। तो आप सोचिए कितना उसको हार्मोन्स दिया जाता है कि उसका वेट, उसकी बॉडी फूलती जा रही है। और पता नहीं 2021 में क्या होगा, शायद चिकन के 4 या 5 से 6 पैर भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तो ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो इन पुरुषों के अंदर 50% हायर रिस्क हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर की, और अगर आप महिला है तो 65% आपको ज्यादा रिस्क हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की। साथ ही साथ अर्ली पुबर्टी भी आपके अंदर आनी है, यानी कि आप भी जैसे एक चिकन का बच्चा जो 4 साल का होता है, चिकन का बच्चा जो 4 महीने का या 4 दिन का होता है उसको 4 साल का बना दिया जाता है, उसी तरह वही चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है और हम हमारी उम्र से ज्यादा लंबे, ज्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं अगर हम हार्मोन्स युक्त मीट को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो। उसके बाद एक और जो पॉइंट है वो है एंटीबायोटिक्स जो उनको दिया जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे मलेरिया होता है और अगर मैं डेंगू की दवाई लेता हूं तो क्या आपको लगता है मैं सही हो सकता हूं? मैं सही तो नहीं होऊंगा, मैं बीमार और ज्यादा हो जाऊंगा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट मेरी बॉडी के अंदर होंगे, मेरी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आएगा, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे इफेक्ट आएगा। तो इसी वे में जो दवाई या एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मीट को दिए जाते हैं, मतलब जानवरों को दिए जाते हैं ताकि जो हार्मोन्स उनके अंदर डाले गए हैं वो रिएक्ट ना करे, वो कोई साइड इफेक्ट ना करे, इस वजह से उनके अंदर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। उसी मीट को हम लोग बाजार से खरीद के हमारे घर में लेके आते हैं और ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए अगर मुझे मलेरिया है और मैं डेंगू की दवाई ले रहा हूं तो वो मेरे कुछ काम की नहीं, मुझे नुकसान पहुंचाएगी। उसी तरह अगर मैं एंटीबायोटिक्स जो मेरी बॉडी को जरूरत नहीं है अगर वो मेरी बॉडी के अंदर डालता हूं तो वो मुझे फायदा नहीं, मुझे हर तरीके से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो यही चीज आपको समझनी होगी जिस वजह से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीने की क्षमता कम हो जाएगी। और इसी का हमने एक रिसर्च किया है, तो एक ग्राफ आपके सामने है, ये 2002 का है, ये बताता है कि यूएसए में हर आदमी 125 किलो मीट हर साल खाता है और उसकी जीने की जो एवरेज लाइफ है वो है 78 इयर्स, यानी कि 78 इयर्स तक वो लोग जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें जापान की, जो एक शाकाहारी कम मांसाहारी देश है, लेकिन वहां पे मीट का जो कंजप्शन है वो सिर्फ 43 किलो है पर साल पर व्यक्ति पे। इस वजह से वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 इयर्स है, यानी कि 5 साल ज्यादा अमेरिका से 2002 में। आज की सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो ये बताता है कि जितनी आप ज्यादा मीट कंज्यूम करोगे आपके जो अंग है वो कमजोर होते चले जाएंगे और आप पूरी तरह बीमारियों से जूझ के जल्दी आपके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी और आप जल्दी मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बताने के लिए काफी है कि ओवरऑल मीट कंजप्शन हमारी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और हमें मौत की ओर जाता है। और अगर मैं दूसरी और बात करूं पैनेडेमिक्स की, यानी कि वायरसेस की, जैसे अभी जो चल रहा है उसके बाद स्वाइन फ्लू आया था, इबोला है, ये सारी बीमारियां जानवरों से वायरसेस से आई है। तो वायरसेस जानवरों में आते हैं, जानवरों से इंसानों में आते हैं और इंसानों से इंसानों में फैल के पूरे विश्व में फैल जाते हैं। तो यही कारण है कि ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे जो करंट सिचुएशन है वो हमारे बताने के लिए काफी है कि कितना डेंजरस ये हो सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा
इस दुनिया में जो वायरसेस की संख्या है वो है एक के आगे 32 जीरो, अगर आप लगाएंगे ना तो उतने वायरसेस इस दुनिया में है। कोरोना वायरस तो सिर्फ एक वायरस है जिसने इस दुनिया को इतनी बुरी हालत में डाल दिया है। सोचिए अगर इतने सारे वायरस धीरे धीरे करके इंसानों में आने लगे और कितना बड़ा नुकसान वो मानव जाति को, इंसानों को पहुंचा सकते हैं और हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। तो यकीन मानिए अब हमारे पास, हमें लाल डॉट से हरे डॉट की ओर यानी कि गुड डॉट की ओर शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर इस दुनिया को बचना है तो। अगर हम ये नहीं करते तो हमारा मरना लगभग तय है। तो आपको आज एक मौका मिला है, जो लोग या नॉन वेजिटेरियंस है स्पेशली उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग वेजिटेरियन है ऑब्वियसली मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है आज उनके पास एक मौका है नई जिंदगी को चालू करने का, जिसमें ना चिकन होगा ना मटन होगा ना जंक फूड होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड डॉट युक्त पोषित आहार होगा जो आपको स्वस्थ भी रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपको फिजिकली और इंटरनली आपके ऑर्गन्स को फिट रखने में मदद करेगा। तो अब हम बात करेंगे गुड डॉट के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और उससे होने वाले हर एक फायदे के बारे में। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, आप सब लोग जानते हैं गुड डॉट के प्रोडक्ट्स, आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा इन सभी प्रोडक्ट को। तो अब कोई प्रोडक्ट को क्या चीज अच्छा बनाती है ये जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज प्रोटीन, में जैसे मैंने आपको बताया तो हमारे सब सभी प्रोडक्ट में बहुत हाई प्रोटीन है। दूसरी चीज क्या चीज किसी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, वो है कोलेस्ट्रॉल, और हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तीसरी चीज डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके खाने में डाइटरी फाइबर होगा तो 100% आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपका पाचन तंत्र अगर सही से काम करेगा, खाने को सही से पचाएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हाई डाइटरी फाइबर हमारे हर एक प्रोडक्ट में है, साथ ही साथ कोई एंटीबायोटिक हार्मोन्स नहीं है, हाइजीनिक है। हाइजीन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर मीट की बात करूं बहुत गंदी हालत में रखा जाता है, आप देखते हैं गंदे गंदे हाथ लगाए जाते हैं। दूसरी और गुड डॉट के प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बनते हैं और हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन है फूड सेफ्टी और हाइजीन के लिए। तो हमारी तरफ से आप सब लोग, मैंने आपको हर बार मीटिंग में बताता हूँ कि किस तरह हम हाइजीन को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ कोई क्रुएल्टी नहीं है। तो ये प्लांट पावर क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये न्यूट्रिशन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे कि गुड डॉट के प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट है उसमें किसमें कितना न्यूट्रिशन है। प्रोटीन की बात करूं, जैसे मैंने आपको पांच चीजें जो स्टार्टिंग में बताई थी, प्रोटीन हमारे प्रोडक्ट में 56% है प्रोटीन प्लस में, और सूप जैसी चीज जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर प्रोटीन हमको मिल सकता है, उसमें भी हमने 10 ग्राम प्रोटीन डाला है। उसके बाद में अगर डाइट्री फाइबर की बात करूं, डाइट्री फाइबर हमारे प्रोडक्ट में हाइएस्ट 27.5% डाइट्री फाइबर है, और सूप जैसी चीज, फिर से मैं बोलता हूँ, सूप जैसी चीज में भी हमने 4% डाइट्री फाइबर डाला है। कैल्शियम की बात करूं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, 625 mg कैल्शियम हमारे प्रोटीज प्लस में है, और आप सोचिए मिनिमम कैल्शियम भी हमारे अंदर 34 से 36 ग्राम, यानी कि आपको हमारे हर एक प्रोडक्ट में कैल्शियम मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, 1% भी सही नहीं है, वो हमारे प्रोडक्ट में जीरो है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के ले लीजिए उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज नहीं मिलेगी। और फैट की बात करूं, आप सब लोग जानते हैं फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो मिनिमम फैट जो हमारे प्रोटीज में है वो है 0.4%, और जो हाईएस्ट फैट है वो है 16.5%, और WHO के स्टैंडर्ड्स के अनुसार 30 ग्राम तक फैट हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, यानी कि उतना फैट हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, तो उससे बहुत कम है। हमारा जो मैक्सिमम फैट है वो ही 16.65% है जो आपकी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सकती है, उसको यूज कर सकती है। तो किसी भी पहलू पे देखिए हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसने बहुत मेहनत की है, हर प्रोडक्ट को इतनी मेहनत से बनाया गया है, हर एक इंग्रेडिएंट पे ध्यान दिया गया है, हर एक न्यूट्रिशन फैक्ट पे ध्यान दिया गया है कि इसका इतना बैलेंस होना चाहिए कि आपकी सेहत सही रहे। तो आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट को, गुड डॉट के प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए, आपको बहुत हाई न्यूट्रिशन मिलेगा। अब ये न्यूट्रिशन कैसे आया है वो जानते हैं हम, वो आया है इंग्रीडियंट से। अब क्या इंग्रीडियंट है हमारे प्रोडक्ट के अंदर और उनके क्या फायदे है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है सोए प्रोटीन आइसोलेट। ये बहुत ही
रिच सोर्स है प्रोटीन का। आप देखिए हर 100 ग्राम सोया प्रोटीन आइसोलेट में 90 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर आपके किसी भी खाने में प्रोटीन है तो उसके क्या फायदे होंगे, वो आपको दिल से संबंधित बीमारियों से बचाएगा, आपको कैंसर से बचाएगा, डायबिटीज से बचाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन से बचाएगा, साथ ही साथ आपको एनर्जी देगा काम करने के लिए। हमारे लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो ना हम मेंटल वर्क कर सकते हैं ना हम फिजिकल, तो वो एनर्जी आपको प्रोटीन और सोया प्रोटीन आइसोलेट से मिल सकती है। और इसके अंदर बहुत हाई डाइटरी फाइबर होता है जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके पाचन तंत्र को बूस्ट करता है, यानी कि आपके पाचन तंत्र को काम करने में सहायक होता है और आपको हेल्दी वेट गेन में मदद करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बाहर का जंक फूड खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, इस वजह से हम बहुत ज्यादा खाना, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा हम खा लेते हैं, यानी कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं तो हमारा पेट थोड़ा खाने में ही भर जाता है, यानी कि जितनी हमारी बॉडी की जरूरत है वो छोटे से पोर्शन में हमें मिल जाती है, जिस वजह से हम ओवर ईटिंग नहीं करते और इस वजह से जो हमारा वेट है वो मेंटेन रहता है। अगर हमारा कम है तो ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा है तो कम हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और ओवरऑल आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सोया प्रोटीन आइसोलेट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आता है पी प्रोटीन आइसोलेट, यानी मटर। मटर का प्रोटीन को आइसोलेट करके हमने इसको यूज किया है, यानी कि हर 100 ग्राम पी प्रोटीन आइसोलेट में आपको 85 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब इतना प्रोटीन भी है और मटर के और फायदे हैं कि ये आपको किडनी रिलेटेड डिजीज से बचाता है पहली चीज, दूसरी चीज आपको जो हार्ट की जो हेल्थ है उसको ये इम्प्रूव रखता है, जो हार्ट की फैट होती है उसकी मस्कुलर रिक्वायरमेंट्स होती है उसको वो हेल्दी रखता है, मसल थिकनेस को बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है हमारे थाई की मसल्स है उनको मजबूत रखता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है। अगर उसकी थिकनेस बढ़ी होगी तो हमारे अंदर की जो हड्डियां है हमारा जो सिस्टम है वो इंटेक्ट रहेगा और हम फिजिकली वीक नहीं होंगे। और चौथी चीज है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और अगर आप रेगुलर प्री प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहती है, साथ ही साथ वेट लॉस में भी बहुत सहायक होता है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी बहुत सारी जो आपकी फिजिकल हेल्थ में बहुत ही अच्छा साबित होता है पी प्रोटीन आइसोलेट। उसके बाद आता है चिया सीड्स। चिया सीड्स एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसको सुपर फूड माना जाता है। और क्यों ये सुपर फूड है, पहली चीज इसके अंदर 3 times ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ब्लूबेरीज से कंपेयर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो आपको एजिंग से बचाती है, यानी कि अगर मैं 20 साल का हूं तो मैं 30 साल का ना लगूं वो तभी पॉसिबल है अगर मेरे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी कि वो मेरी बॉडी पे ग्लो लाएगा, वो मुझे हेयर का जो मेरा जो नेचुरल कलर है वो रखेगा और ओवरऑल मेरे बॉडी की जो ग्लो है उसको मेंटेन रखेगा। तो वो 3 times ज्यादा पाया जाता है चिया सीड्स में। ओमेगा 3 आप सब लोग जानते हैं, ओमेगा 3 बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और एक धारणा है कि ओमेगा 3 सिर्फ सैल्मन फिश में पाया जाता है, यानी कि वेज में नहीं पाया जाता है, पर ये पूरी तरह गलत है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 8 गुना ज्यादा होता है सैल्मन फिश से, 8 गुना ज्यादा ओमेगा 3 होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना फायदा कर सकता है ओमेगा 3 आपकी बॉडी को। साथ ही साथ इसमें 15 times ज्यादा मैग्नीशियम होता है, 3 गुना इसमें पालक से ज्यादा आयरन होता है और नेचुरल विटामिन और मिनरल्स भी होता है। तो चिया सीड्स भी एक बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है। उसके बाद है किनोआ। किनोआ भी सुपर फूड माना जाता है, अगर ये आपकी डाइट में है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आप आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है जो अभी करंट सिचुएशन में बहुत जरूरी है वो किनोआ खाने से पूरी हो सकती है। साथ ही साथ ये आपको दिल की बीमारियों से बचाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको स्ट्रेस से बचाता है। आज करंट सिचुएशन में आप सब लोग न्यूज देख रहे हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ रहा है, बहुत लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत लोग बहुत ही मेंटली सिक हो चुके हैं। इसका कारण है कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है और अगर आप किनोआ को कंज्यूम करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको भी ये सही तरीके से मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें इसमें मिलती है और ये आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। उसके बाद आता है फ्लैक्स सीड, जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट है।
ये इतना गजब का इंग्रेडिएंट है, ये पावर हाउस है डाइट्री फाइबर का। हर 100 ग्राम फ्लैक्स सीड में 27 ग्राम डाइट्री फाइबर होता है। तो आप सोचिए, अगर ये आपके खाने में है तो आपकी जो पाचन तंत्र है वो कितना अच्छी तरीके से काम करेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ डाइट्री फाइबर डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, नेचुरल सोर्स है ये विटामिन का। तो फ्लैक्स सीड एक ऐसी चीज है जो आपको खानी ही चाहिए, आपकी डाइट में होनी ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र और आपकी डाइट्री फाइबर की कमी को पूरा किया जा सके। और उसके बाद आता है चने का आटा। ये वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रमुख तौर पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स में पाए जाएंगे आपको। तो ओवरऑल मैंने आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ग्राम फ्लावर की बात करूं यानी कि चने के आटे की, तो ये आप डायबिटिक फ्रेंडली है, यानी कि डायबिटीज वाले इसको खाएंगे तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। और इसके अंदर ब्लड बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। आपने देखा है लोगों के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड सेल्स नहीं बनते, तो ये इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपके ब्लड को बनाने में, ब्लड के फ्लो में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो चने का आटा है, आप देखिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं, क्योंकि घोड़ा आप जानते हैं उसको बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, उसकी हड्डियों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो यही चीज है कि अगर आप चने का आटा खाते हैं रेगुलर आपके खाने में, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, आपकी हड्डियां पूरी तरह सही तरीके से काम करती है। उसके बाद आता है ग्राम फ्लोर के बाद हमारे अंदर आएगा ओट फ्लावर। और ओट भी आप जानते हैं एक बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, यानी कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि आपके काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको भी ये बढ़ाने में सहायक करता है। साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स जो होते हैं, यानी कि रूखी सूखी जो त्वचा होती है उसको ये हटाने में सहायक होता है। साथ ही साथ हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ को भी ये बचाता है। तो ये कुछ प्रमुख इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपको बताया। तो आप देखिए हमारे हर एक इंग्रेडिएंट, हमने ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जो आपकी बॉडी के हर एक अंग को, हर एक ऑर्गन को, बाहर का हो चाहे अंदर का हो, इम्पैक्ट करता है, उसकी हेल्थ को सही रखने के लिए काम करता है। ओवरऑल मतलब पैकेज है आपकी बॉडी के लिए, आपको किसी भी आपके बॉडी पार्ट के लिए अलग से कोई चीज नहीं लेनी पड़ेगी। सारी चीजें हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाल दी है, हर एक इंग्रेडिएंट चुन चुन के डाला गया है जो आपकी बॉडी के ओवरऑल आपकी बॉडी को, हेल्थ को अच्छा रखे। और उसके बाद जो करंट सिचुएशन है, आप जानते हैं इम्यूनिटी सही रखना जरूरी है, जिसके लिए आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पूरी तरह होने चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे दो एक प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं जो है प्रोटीज प्लस और गुड सिप। गुड सिप मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के पीयूसी पे आपके पास आ गया होगा और आपने इसको ट्राई भी कर लिया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे। बहुत ही शानदार एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आप सोचिए एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर जिसके अंदर विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा, लेमन, जिंजर, पुदीना, मिंट, सारी वही चीजें हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। और सबसे शॉकिंग चीज, इसकी MRP जो है ₹20 और ₹15 इसकी DP, 75% बिजनेस वॉल्यूम के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम प्राइस में हम आपको कितनी बड़ी चीज, कितना शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हम लेके आए। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस प्रोडक्ट के लिए। और प्रोटीज प्लस की बात करूं, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं उसमें विटामिन B12 है, D3 है, जिंक है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है। तो यानी कि ये दो एक ऐसे प्रोडक्ट है गुड डॉट के जो रेगुलर आपकी डाइट में होने ही चाहिए। यानी कि अगर इन दो प्रोडक्ट को आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं आपकी डाइट में, तो 100% आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है सब कुछ इससे पूरी की जा सकती है। तो बहुत ही एक शानदार इंग्रेडिएंट्स है इसके। और क्या इन जो विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहली चीज है विटामिन B12। अगर आप में से बहुत लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियंस है, तो वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है और उस वजह से उनको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। पहली चीज है उनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, यानी कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उनके ओवरऑल उनको बहुत वीक फील होता है। सेकेंड, आपकी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में एक ग्लो जो होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है।
फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो आप जानते हैं COVID-19 का एक सिम्टम भी है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो सोचिए अगर आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और फिर आपको अगर कोविड या कोरोना वायरस हो जाता है तो कितना खतरनाक वो साबित हो सकता है। तो विटामिन B12 करंट सिचुएशन में आपको रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी सोचने की क्षमता और रीजनिंग की क्षमता, यानी किसी चीज को इवेल्युएट करने की क्षमता को भी ये कमजोर करता है। और अगर विटामिन 12 आपकी डाइट में है तो ये आपके रेड जो सेल फॉर्मेशन है यानी कि ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करेगा, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपको मूड स्विंग से और डिप्रेशन से बचाएगा जो बहुत जरूरी है करंट सिचुएशन में, और साथ ही साथ आपकी हेयर स्किन नेल्स आपकी हेल्दी रहेंगे। तो ओवरऑल B12 हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम रेगुलर बेसिस पे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं D3 की, तो D3 की अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है विटामिन D3 की, तो आपको बोन और बैक के अंदर पेन फील होगा, यानी कि आपके बोन्स बहुत कमजोर से आपको फील होंगे। साथ ही साथ आपके बाल टूटेंगे, बाल आपके गिरेंगे, मसल्स में पेन होगा। आप अगर रात को सो के सुबह उठ रहे हैं तो आपके पैर में या हाथ में बहुत सा दर्द आपको महसूस होगा, और साथ ही साथ आपके बोन्स की जो डेंसिटी है यानी कि बोन खोखला होता चला जाएगा अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है तो। और इन दोनों कमी को पूरा करने के लिए हमने प्रोटीन प्लस और गुड से बनाया है, जो दोनों अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आपकी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, जिस वजह से आपके बोन्स हेल्दी रहेंगे, आपको सर्दी खांसी होने का खतरा कम रहेगा, आपकी शुगर अगर आप डायबिटीज है तो वो कंट्रोल में रहेगी, साथ ही साथ ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विटामिन D3 आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप जिंक आपके खाने में, जो हमारे प्रोटीन प्लस में है, तो ये आपके इम्यून फंक्शन को बहुत ही पावरफुल बनाता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज हमको जरूरी होते हैं वायरस से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वो एंटीबॉडीज बनाने में जिंक बहुत ही सहायक साबित हो सकता है। साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग और आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए भी जिंक बहुत जरूरी है आपके खाने में होना, जो हमारे प्रोटीन प्लस में हमने डाला है। साथ ही साथ अगर आपको कोई घाव हुआ है, कोई चोट लगी है, तो उसको हील करने में भी मदद करता है और डायरिया से भी सही होने में आपको मदद करता है। उसके बाद में बात करूं आयरन, आप सब लोग जानते हैं आयरन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे वो खाने में होना ही चाहिए। ये एमिनिया से फाइट करने में मदद करना है, यानी कि अगर आपके ब्लड सेल्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो आयरन मदद करेगा कि आपके ब्लड सेल्स पूरी तरह काम करें। साथ ही साथ आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि हम कभी किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा मन किसी चीज में ना हो के किसी और चीज में लगता है, हम काम में ध्यान नहीं दे पाते, तो वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें आयरन की जरूरत होती है, और वो आयरन भी हमने प्रोटीन प्लस में डाला है। साथ ही साथ आपके हेमोग्लोबिन को बूस्ट करेगा और आप जो थक जाते हैं उसको भी सही करने में आयरन मदद करता है। फॉलिक एसिड की बात करूं, एक बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है जो आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है, यानी कि आपके डाइजेशन को सही रखता है, आपका जो दिमाग है, दिमाग की नसें है, उन सबको हेल्दी रखता है, सेल्फ फंक्शन में मदद करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये रामबाण है, सुपर हीरो इसको माना गया है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके जो बच्चे तक खाने को पहुंचाने का काम फॉलिक एसिड करता है, बच्चे को डेवलप करने का काम फॉलिक एसिड करता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड, जो आपके खाने में होना ही चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं विटामिन सी, जो हमने गुड सिप में डाला है, तो ये आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाएगा, आपका ब्लड प्रेशर को मैनेज में रखेगा। यूरिक एसिड जो एक बहुत बड़ा जो यूरिक एसिड का लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें जलन सी फील होती है, तो ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स को कम करता है विटामिन सी, और ये आपको हमारे गुड सिप में मिलेगा। साथ ही साथ विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमारी एजिंग को भी मेंटेन रखेगा, साथ ही साथ वेट लॉस में भी ये मदद करता है। तो आप सोचिए कितने शानदार इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं हमारे प्रोडक्ट में। हमारी कंपनी 2013 में ऑन पेपर आई थी और हमारा पहला जो प्रोडक्ट था वो 2017 में लॉन्च हुआ,
तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितनी रिसर्च और डेवलपमेंट की है हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और हमारा हर एक प्रोडक्ट रेगुलर आप कंज्यूम कर सकते हैं, डेली ऑल्टरनेटिवली आप इसको कंज्यूम करिए। साथ ही साथ प्रोटीज प्लस और जो हमारा गुड सिप है, वो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि उसको आप डेली लाइफ का पार्ट बनाइए, डेली डाइट का पार्ट बनाइए, चाहे ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच में लीजिए, डिनर में लीजिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही मेहनत से इस पे काम किया है, न्यूट्रिशन फैक्ट पे काम किया है, हर एक इंग्रेडिएंट में काम किया है कि पूरी तरह ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। तो हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, आने वाले सारे प्रोडक्ट जितने भी होंगे, तो सबसे मेन जो मोटिव है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। गुड डॉट का जो कोर मोटिव है कि जीवन बचाओ स्वाद बढ़ाओ, यानी कि जीवन भी बचे और स्वाद भी बढ़े, ये हमारा मोटिव है। तो हम सबको ये मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह गुड डॉट के प्रोडक्ट, चाहे आप नॉन वेज है चाहे आप वेजिटेरियन है, आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, यही मैसेज आपको हर एक आदमी को, भारत के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़े जनसंख्या वाला देश है, तो और आरसीएम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज आज की तारीख में हमारे पास 10 से 15 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स है। तो आप सोचिए अगर एक डायरेक्ट सेलर भी 30-40 लोगों को भी ये समझाने में साबित हो जाता है, तो हम कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं इस देश के सामने। तो हम सबको एक मिशन बनाना है कि जो हमारा आहार हो वो शाकाहार हो। हमने एक नारा दिया है, हम सबका आहार शाकाहार। तो ये मैसेज को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत के घर घर में हमें पहुंचाना है, और उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रेनिंग सेशन था ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके से जो सेशन है वो हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ताकि आप गुड डॉट को और बेहतर तरीके से जान सके। और एक और मैं अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आज खास कर देता हूँ कि कुछ ही समय आने वाले कुछ दिनों में हम एक लाइव शो लॉन्च करने वाले हैं, कुकिंग लाइव शो, यानी कि पूरा भारत लाइव कुकिंग करेगा। हम आपको इंग्रेडिएंट्स पहले ही बता देंगे, आपको व्हाट्सएप के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, वो इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर पे तैयार रखने हैं, और जूम मीटिंग द्वारा आपको हमारी मीटिंग से जुड़ना है, जहां पे एक्सपर्ट शेफ आपके साथ पूरे भारत के साथ मिलके हम हर दिन एक नई डिश बनाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक मौका है आप सब लोगों के लिए, जो आप लोगों को परेशानी आ रही है कि गुड डॉट के प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, उसको हल करने के लिए हमने निकाला है। तो ये मैसेज आपको आने वाले कुछ दिन में आपको ऑफिशियली कन्वे हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा जिनको बनाने की जो प्रॉब्लम आ रही है उनको जोड़िए, ताकि पूरा भारत मिलके हम एक साथ लाइव जूम मीटिंग में कुक कर सके, और हम पूरे भारत को बता सके, पूरे विश्व को बता सके कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की पावर क्या है, कि हम एक रिकॉर्ड बना सकते हैं एक साथ पूरे भारत को लाइव कुकिंग में ला के। तो ये एक शो है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर हमारी मीटिंग्स यूएस की चल रही है, जूम मीटिंग्स चल रही है, उस पर आप जुड़िए, कोई आपके डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं उस मीटिंग्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्दी वापस मिलेंगे और मैं आपको जानकारी अलग अलग प्रकार की देता रहूंगा गुड डॉट से रिलेटेड। इसी उम्मीद के साथ आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पूरी तरह अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय आरसीएम, थैंक यू एवरीवन।